हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ड्रेस कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है और आपको भी हेल्प मिलने वाली है। जो सबसे पहले हमारा ड्रेस कलेक्शन, ये हमारा ग्रीन कलर का सूट डिज़ाइन है। इस पर हमने रेड कलर की हैवी चुन्नी ली है, जिस पर मैंने ये गला बनाया है और साइडों में ये रेड कलर की लेस दी है। पीछे में मैंने कुछ नहीं दिया है, आके आके में दिया है और साथ में यहाँ पे स्लीव पे मैंने ये लेस दी है जो हमने साइडों में दी थी। काफी पहनने के बाद इसकी काफी प्यारी लुक आती है। और इसके नीचे ट्राउजर पैंट है जो कि बटन लगने के लिए गई हुई है। इस पर अभी मैंने प्रेस नहीं लगाई है, इसीलिए ये अभी सुकड़ा सुकड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिजाइन है वो है हमारा रेड कलर का सूट, जो कि काफी अच्छा आपको नजर आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स मैंने एक दो बार पहन रखा है और इस पे नीचे मैंने ये बॉर्डर बनाया है। गले पे सिंपल लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने बटन्स लगाए हैं और जो हमारी बाजू है वो हमारी अम्ब्रेला स्लीव यहाँ पे मैंने बनाई है। और जो मैंने लेस के ऊपर और नीचे यहाँ पे मैंने लेस लगा के इसको रेडी किया है, तो सेम ऐसी ही लेस मैंने स्लीव के बॉटम पे भी लगाई, जो कि अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं हाथ डाल के, तो कुछ इस तरह की हमारी स्लीव बन के नजर आती हैं। ये इस टाइप की हमारी स्लीव लगती है जो कि काफी अच्छी आपको लग रही होंगी। सेम हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है और इसके नीचे मैंने ये पटियाला सलवार बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो पोंचों की फिनिशिंग देखो फ्रेंड्स, कितनी प्यारी फिनिशिंग पोंचों की। हर डिजाइन भी आप देख सकते हो कि कितना प्यारा है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं स्पेशल इसकी फोटो क्लिक करके डिजाइन की आपको दिखा दूंगी। तो इससे अगला जो हमारा नेक्स्ट डिजाइन है उसमें मैंने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वर्क था इस पे मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से वर्क था इस पे और मल्टी कलर का आपको नजर आ रहा होगा। ये हमने मल्टी कलर की फिर यहाँ पे लेस लगाई है। इस मल्टी कलर की लेस का बॉर्डर बनाने के लिए हमने दोनों साइड यहाँ पे ये कटवर्क की लेस, जिसे समोसा लेस भी बोलते हैं और जिगजैग लेस भी बोलते हैं, वो लेस लगाई है। गले पे ये पट्टी लगी हुई थी, बस हमने इसमें ये बॉर्डर ऐड किया है ताकि जो नीचे का है वो प्लेन प्लेन ना लगे। और ये बॉर्डर जो था ये स्लीव पे ज्यादा चौड़ा हो रहा था, इसीलिए हमने स्लीव को प्लेन रखा है। ओनली जो हमारा ये नीचे का बॉर्डर है इसको हमने क्रिएट किया है, जो कि आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साथ में ही ये लेस आई है, क्योंकि इसमें यही कलर है इन फ्लावरों में जो यहाँ पे नीचे इसके बॉटम में है। फ्रेंड्स, आप कभी भी सूट स्टिच करते हो तो एक दो चीजें अगर आप ऐड कर देते हो अपनी कमीज में तो उसकी काफी अच्छी लुक आती है। तो जब भी आप सूट स्टिच करो तो एक दो चीज जैसे बटन, लेस, पाइपिंग, ये चीजें ऐड कर दिया करो, जिससे कि आपकी सूट की काफी अच्छी लुक आएगी। और इसके नीचे मैंने ये पटियाला सलवार बनाई है। और फ्रेंड्स, इसमें ये कम था कपड़ा तो इसलिए मैं अलग से जाम सिल्क का फैब्रिक लाके और तब हैवी सलवार बनाई थी, क्योंकि इसकी जो मेरे को एम्ब्रॉयडरी थी काफी अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने इसके नीचे ये सलवार ऐड की है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिजाइन है ये भी काफी अच्छा और काफी प्यारा डिजाइन आपको नजर आएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पे ये डार्क पिंक कलर का सूट है और इस पे हमने लाइट पिंक कलर की लेस लगाई है और इस कलर की हमारी चुन्नी है इसके ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो गले में मैंने, क्योंकि ये लेस इस टाइप की थी जो गले पे आराम से लग सकती थी, यहाँ पे पाइपिंग की तरह मैंने यहाँ पे गले पे कपड़ा छोड़ा है, उसके बाद मैंने ये लेस लगाई ताकि हमारी पाइपिंग की भी लुक आए और लेस की भी आए। और आगे के हिस्से में मैंने ये लेस लगाई है, पीछे के हिस्से में हमने ये लेस नहीं लगाई है। और बाजू इसकी 1/4 है जो कि बाजू के बॉटम पे भी लेस लगाई है। साथ ही में आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने पाइपिंग की तरह कपड़ा छोड़ा है और यहाँ पे हमने ये दो दो बटन एक साथ करके लगाए हैं, जिससे कि आपकी लुक काफी अच्छी आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर प्लेन फैब्रिक होता है तो वो लेस और बटन से ही तैयार किया जाता है, या फिर कोई अच्छा सा आप गला बना सकते हो, तो हमने ये लेस का ही गला बनाया था, क्योंकि ये लेस राउंड शेप में अच्छे से सेट होने वाली थी, इसीलिए मैंने ये लेस इसमें लगाई है। इसके नीचे हमारी ये पैंट है और पैंट में भी हमने ये सेम बटन दिए हैं जो हमारे नेक पे लगे हुए थे, वही तीन तीन बटन हमने पैंट के बॉटम पे दिए हैं। पैंट हमारी आगे से
ये बुकरम वाली, पीछे से हमारी लास्टिक वाली है। तो ये हमारे कुछ डिजाइन थे। एक और हमारा डिजाइन है जो कि काफी अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बाद आप हमारा ये डिजाइन देखो, काफी अच्छा डिजाइन है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये चोली कट की थी, यहाँ पे ये हमने चोली कट कर रखी है जिसपे हमने गले की कुछ इस तरह से हमने ये लेस लगाई है, और जो चोली का ज्वाइंट था दोनों साइड का, यहाँ पे भी हमने ये लेस लगाई है। आगे और पीछे दोनों साइड हमने ये प्लीट्स दी है, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। मैं हमेशा चोली वाले सूट में प्लीट्स जरूर देती हूँ जिससे कि कमर की फिटिंग अच्छी आए। उसके बाद हमने नीचे का जो हमारा बॉटम था उसको ए लाइन लिया, ए लाइन लेके नीचे को जो हमने शेप दी है आप यहाँ पे देख पाओगे राउंडिंग शेप दी है, बीच में थोड़ा सा डाउन और यहाँ से थोड़ा सा अप, जो कि काफी अच्छी लुक बनाता है। और साथ ही में हमने यहाँ पे स्लीव पे भी डिजाइन बनाया है। फ्रेंड्स इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा बाजू के डिजाइन का भी और ऑल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग भी। यहाँ पे मैंने स्लीव में जो लेस लगाई है यहाँ पे ये कट नहीं किया है, यहाँ पे ओनली बीच का निशान लगा लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो ओनली यहाँ पे सीधे करके हमने लेस लगा दी है। नीचे नीचे हमने ये कट दिया था जहां तक हमें स्लीव ओपन रखनी थी, बस वहीं तक कट देके बाकी पे हमने नॉर्मल लेस लगा दी ताकि ये नजर आए कि यहाँ पे भी कट है, लेकिन हमने यहाँ पे ये कट नहीं दिया है। ये स्लीव काफी अच्छी लगती है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि किस टाइप की इसकी लुक आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से कुछ हमारी स्लीव की कट नजर आ रहे हैं, और ऐसे आराम से इजीली हाथ भी मुड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वन वॉट स्लीव हम बनवाते हैं तो वो ज्यादा टाइट हो जाती है, यहाँ से हाथ मोड़ने में परेशानी होती है, तो आप इस तरह की स्लीव बनवाओगे तो इजीली आप हाथ भी मोड़ पाओगे। तो इस तरह से आप अपने ड्रेस बना सकते हो। होप करती हूँ आपको इन ड्रेस आइडियाज काफी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को कर दो लाइक, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।